Everyone, please put your hands together for Anamika Raj. Gul khile gunsan khile khulte hain guldaste. मेरी आवाज सुनने से पहले आप सभी को अनामिका राज का नमस्ते। आदरणीय संस्थापक महोदय, अतिथिगण एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अनामिका राज एलिट इंस्टीट्यूट की छात्रा सबसे पहले अपने संस्थापक महोदय का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे आज इस पावन अवसर पर अपने विचार आप सभी के आगे प्रस्तुत करने का एक सुनहरा मौका दिया। मैं आज आप सभी के सामने महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। जैसा कि हम जानते हैं, शिक्षा चलती हुई दौर में शिक्षा एक मूल मंत्र सा बन गया है। हमें यह भी जानना होगा कि अगर आप एक आदमी को शिक्षित कर रहे हैं तो आप केवल मात्र एक व्यक्ति को शिक्षित कर रहे हैं, परंतु अगर आप एक महिला को शिक्षित कर रहे हैं तो आप एक घर, परिवार, स्त्री, समाज एवं देश को शिक्षित कर रहे हैं। मैं बहुत गर्व के साथ बोल सकती हूँ कि मेरा जन्म ऐसे भारत में हुआ जहाँ की महिलाएं प्रधानमंत्री रह चुकी है, जहाँ की महिलाएं राष्ट्रपति रह चुकी है, जहाँ की महिलाएं अनेक अध्यक्षाओं में, जहाँ की महिलाएं अनेक राष्ट्रीय दलों पे अध्यक्षाएं रह चुकी है। ये वही भारत देश है जहाँ एक छोटा सा परिवार में जन्म लेने वाली किरण बेदी को आज फर्स्ट IPS ऑफिसर का दर्जा दिया गया। एक समय था जब आर्मी, पुलिस, एयरफोर्स, कमर्शियल पायलट ये सब केवल पुरुष के एकाधिकार के क्षेत्र थे, पर आज समय में परिवर्तन आया है, हमारे भारत देश में परिवर्तन आया है। आज महिलाएं अंतरिक्ष की यात्रा कर रही है, आज महिलाएं आर्मी में कमबैक ड्यूटी कर रही है, आज महिलाएं जहाज उड़ा रही है, आज महिलाएं आर्टिफिशियल पैर से एवरेस्ट को अपने सपने को फतेह कर रही है। लेकिन एक तरफ इन उपलब्धियों का आंकड़ा हमारा सर गर्व से ऊंचा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के साथ हो रहा है अन्याय, अत्याचार और उनसे उपजी हुई पीड़ा हमारा माथा शर्म से नीचा भी कर रहा है, परिदृश्य बदल रहा है। महिलाओं की उपलब्धियां हर एक क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से बदल रही है, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। ये कुछ पंक्तियां रोजाना अखबारों में, टीवी में, न्यूज चैनल में सुनने को मिलती है। अपने क्षेत्र में कुछ खास उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाएं तो हर एक काल में रही है, सीता से लेकर द्रौपदी, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर रानी इंद्रावती, रजिया सुल्तान से लेकर किरण बेदी से लेकर सानिया मिर्जा। इन सब के बावजूद भारत स्त्री सशक्तिकरण के सख्त निर्भरता को अनदेखा कर रहा है। अफसोस की बात तो यह है कि यह किसी भाजपा या कांग्रेस की वजह से नहीं, बल्कि हम आम आदमी की वजह से समस्या अफसोस की बात यह है कि यह समस्या किसी भाजपा या कांग्रेस की वजह से नहीं बल्कि हम आम आदमी की वजह से हो रही है। अंततः आइए आज हम सभी मिलकर एक निर्णय लें कि आज से हम महिला को आगे बढ़ने हेतु प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें उनके लक्ष्य को पाने हेतु प्रोत्साहित करेंगे, आगे बढ़ने हेतु प्रोत्साहित करेंगे। महिला सशक्त है, हमारी भारत माता सशक्त है, हमारी भारत की भूमि सशक्त है। धन्यवाद।